हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूँ नए सेशन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे आपके CGSI के लिए और आपके CGPA प्री व्यापम के लिए। तो यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड की हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन को तैयार किया गया है जो आपके आने वाला जो भी एग्जाम वगैरह है उस सबको कवर करेगा। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बार मेरे चैनल में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते। लगभग 5 पार्ट मैंने इसका डाला था, ये 6वां पार्ट है। तो याद रखिए, अगर PDF इसका पाना चाहते हैं आपको तो PDF मेरे टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम से आप PDF इसका प्राप्त कर सकते हैं। उसको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आपको एग्जाम में डाक से क्वेश्चन बन पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रतनपुर शासक जो रत्नदेव थे, रत्नदेव के पुत्र का नाम क्या था? तो जाजल्यदेव प्रथम, धर्मसिंह, जयसिंह डी है, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा जाजल्यदेव। याद रखिए, रतनपुर के जो शासक रत्नदेव के जो पुत्र का नाम था जाजल्यदेव, याद रखिए इनके पुत्र हैं जाजल्यदेव प्रथम। इनका शासनकाल है लगभग छत्तीसगढ़ में 1095 से लेकर 1120 ईस्वी तक इन्होंने, जाजल्यदेव प्रथम ने यहाँ पे शासन किया था। याद रखिएगा, इनको जो उपाधि भी दी गई है गज शार्दुल की इनको उपाधि भी दी गई है, इसका मतलब होता है हाथियों के शिकारी, इसका मतलब होता है, याद रखिएगा। और इन्होंने पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के इनके द्वारा चलवाया गया है। याद रखिए, इनके जो सिक्के पर श्रीमद जाजल्यदेव जो गज शार्दुल चित्रित अंकित करवाया गया है। क्वेश्चन पूछा भी आप गया है आपके CGPSE में। तो याद रखिए, इन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के चलवाए थे और उनके सिक्के पर जो कि अंकन करवाया गया था श्रीमद जाजल्यदेव गज शार्दुल चित्रित करवाया गया था। याद रखिएगा, इनके द्वारा नगर भी बसाया गया है। तो इन्होंने जाजल्यपुर, वर्तमान में इसको जांजगीर के नाम से जानते हैं, तो जांजगीर जो शहर इन्होंने बसाया आपके जाजल्यदेव प्रथम ने, याद रखिएगा, इसको वर्तमान में जांजगीर चांपा के नाम से इसको हम जो कि जाने जाते हैं। यहाँ पे प्रतिवर्ष हर साल यहाँ पे जाजल्य महोत्सव का भी आयोजन यहाँ पे कराया जाता है। याद रखिए, वर्तमान में आपका जांजगीर चांपा को कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं, इनके द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार करवाए गए हैं। इन्होंने पाली के जो शिव मंदिर है कोरबा का बनवाया था आपके बाड़वंशी शासक आपके विक्रमादित्य द्वारा इसको बनवाया गया था, लेकिन जो जीर्णोद्धार का काम है आपके जाजल्यदेव प्रथम ने जीर्णोद्धार का पाली के शिव मंदिर का करवाया था। तो याद रखिएगा, तो जीर्णोद्धार जो कार्य है इनके द्वारा जाजल्यदेव प्रथम के उनके द्वारा करवाया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कलचूरी वंश के अंतिम शासक किसको कहा जाता है? तो अमर सिंह देव को, आपके वृक्ष सिंह देव को, या सत्यदेव को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमर सिंह, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में कलचूरी वंश के जो अंतिम शासक कौन है? तो आपके अमीर सिंह देव है, याद रखिए इसका ए ऑप्शन सही। तो वही मैं बात कर रहा हूँ, आपके तो कलचूरी वंश के अंतिम शासक हो गए आपके अमर सिंह आपके छत्तीसगढ़ के कलचूरी वंश के आपके सर्वप्रथम शासक कौन है? तो आपके केशवदेव, याद रखिएगा। तो रायपुर कलचूरी शाखा वंश के प्रारंभकर्ता आपके केशवदेव को कहा जाता है और रायपुर लहरी शाखा जो संस्थापक है जो कि परंपरागत इनके रूप से चल रही थी, और तो इनकी जो राजधानी थे कचूरी वंशियों की खल्लारी जो कि केशवदेव ने अपनी राजधानी बनाया था, फिर अलग अलग शासक ने अपने अपने हिसाब से इन्होंने आपके राजधानी को बनाया गया था। याद रखिएगा, अमर सिंह देव छत्तीसगढ़ कलचूरी वंश के अंतिम शासक हैं। अगर प्रथम आपसे पूछ दे तो आपको केशवदेव आपको आंसर लेना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, IMP करके रख लीजिएगा। तो राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो आपके सोमपाल ने, जगतपाल ने, राजीव देव ने, या आपके रामपाल ने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपके जगतपाल। तो इन्होंने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार का जो काम है इन्होंने करवाया गया था, याद रखिए, कई बार इसको पूछा गया है। तो जगतपाल कौन थे? तो आपके पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे, याद रखिएगा। इनके द्वारा सेनापति जगतपाल ने विलासतुंग द्वारा स्थापित राजीव लोचन जो मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था आपके CGPSE में क्वेश्चन पूछा गया है, और विलासतुंग द्वारा इस राजीव लोचन मंदिर का जो कि बनवाया था, लेकिन जीर्णोद्धार का जो काम है जगतपाल के द्वारा
करवाए गए थे। याद रखिए पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे जगतपाल, तो इनके द्वारा जो कि इसका इस मंदिर का यहाँ पर जीर्णोद्धार करवाए गए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में इसको पूछा जाता है, जहाँ आपके अभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरीकालीन शासन व्यवस्था में राजस्व विभाग का मुख्य जो अधिकारी होता था, महाप्रमात्र, महाप्रतिहार, महासामंत, या आपके डी है महामंत्री। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो कलचुरीकालीन शासन व्यवस्था में जो राजस्व विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? इसको महाप्रमात्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो महापा जो प्रमात्र होते, ये आपके अधिकारी होते थे, या जमाबंदी विभाग का जो प्रमुख होता था, और भूमि लगान वगैरह जो कि जितने भी कर वगैरह को ये आपके निश्चित करता है। क्वेश्चन आपके CGPSC में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिए वही मैं बात करूँ बी ऑप्शन, जो महाप्रतिहार ये जो अधिकारी होते हैं संचार विभाग के प्रमुख होते थे, तो इसको भी आपको याद रखना है, आपके यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है। यहाँ मैं बात करूँ महामंत्री जो होते थे अधिकारी, जो जो सर्व प्रमुख अधिकारी होते थे, उच्च अधिकारी होते थे महामंत्री, ये अधिकारी जो कि राजा के प्रशासनिक सलाहकार होता था, जितने भी जो कि प्रशासन से संबंधित सलाह वगैरह इसमें अधिकारी जो होते थे, ये प्रशासन जो कि प्रशासनिक सलाहकार होते थे, और राजा को अपना जो कि सलाहकार के नियुक्त रूप में इनको आपके महामंत्री को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरीकालीन शासन व्यवस्था में विदेश विभाग का मुख्य अधिकारी होता था, तो महाप्रमात्र, महाप्रतिहार, महासामंत, या डी आपके महासंध्री विग्रहक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महासंध्री, जो संधि जो विग्रहक है, ये आपके विदेश विभाग का प्रमुख होते थे। कलचुरीकालीन जो शासन व्यवस्था में विदेश विभाग का उनका मुख्य अधिकारी होते थे महासंधि विग्रहक। याद रखिएगा विदेश विभाग के इनको प्रमुख इनको बनाया, और कुछ टाइम में बताया महा जो प्रतिहार है ये आपके संचार विभाग के प्रमुख होते थे, महाप्रमात्री ये आपके जमाबंदी विभाग के प्रमुख होता था, जो भूमि लगानों को निश्चित करता था, जो कि राजस्व विभाग को देखता था। तो ये सारे ऑप्शन को याद रखिए कि यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरीकालीन शासन व्यवस्था में कर वसूलने कर जो कर वसूले जाते थे, कर वसूली जो करने वाले व्यक्ति को किस नाम से इनको जाने जाते थे? तो आपके महाप्रमात्र, महासामंत, या महत्तम, या डी आपके सोलकिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोलकिक। तो याद रखिएगा, तो कलचुरीकालीन जो शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो कर वसूले जो वसूल करते थे, इनको आपके सोलकिक कहते थे। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इन लोग कर वगैरह इन लोग वसीले के काम करते थे, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस राजवंश के ताम्रलेख के आरंभ में यहाँ पे ओम नमः शिवाय से होता है? तो आपके पांडु वंश, कलचुरी वंश, बाण वंश, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, कलचुरी वंश। तो कलचुरी राजवंश के जो ताम्रलेख से यहाँ पे जो कुछ कुछ भी इन लोग काम करते थे, या ओम नमः शिवाय से इन लोग कार्य स्टार्ट करते थे। तो याद रखिए आरंभ में ओम नमः शिवाय इन लोग का होता है कलचुरी वंश में। कलचुरी वंश की बात करूँ, इनके जो प्रथम शासक है आपके केशवदेव, याद रखिएगा कलचुरी शाखा के वंश के प्रारंभ करता है आपके केशवदेव, वही मैं अमर सिंह जो कि आपके अंतिम जो कि राजा है आपके आपके कलचुरी राजवंश के। इसका डी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो सारे धर्म के इन लोग मानते थे ओम नमः शिवाय से इन लोग स्टार्ट करते थे आरंभ में। तो इसका बी ऑप्शन कलचुरी वंश सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी शासन काल व्यवस्था में यातायात विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो महाप्रमात्र, महाप्रतिहार, गमागमिक, या आपके मार्ग लेखी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन गमागमिक। तो याद रखिएगा, तो कलचुरी कालीन जो शासन व्यवस्था में जो यातायात विभाग जो कि यातायात या जो यातायात वो जहाँ पे आने जाने की जो सुविधा रहती है, तो यातायात विभाग का जो मुख्य अधिकारी यहाँ पे जो होता था, इसको गमागमिक के रूप से इनको जाना जाता है आपके कलचुरीकालीन शासन व्यवस्था में। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आपके PSC SI वगैरह में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा गमागमिक, याद रखिए जो यातायात विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरीकालीन जो शासन व्यवस्था में हस्ती सेना का प्रमुख जो होता था, उसे किस नाम से जाना जाता था? तो महाप्रमात्र, महाप्रतिहार, महापिलुपति। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महापिलुपति। तो याद रखिए कलचुरी का शासनकालीन जो व्यवस्था में हसी सेना का जो प्रमुख होता था, महापिलुपति के नाम से इसको जाना जाता था। इसका
सही आंसर महापलूत हो जाएगा, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचूरी वंश का कौन सा जो शासक था मुगल शासक जहांगीर से आपके मिलने दिल्ली गया था, तो आपके लक्ष्मीदेव ने, पृथ्वीदेव द्वितीय, कल्याण शाह या डी आपके रत्नदेव तृतीय। तो क्वेश्चन पूछा गया आपके पीएससी में, याद रखिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा कल्याण शाह, याद रखिएगा। तो कल्याण शाह तो जहांगीर ने इन्हें 8 वर्षों के लिए यहाँ पे जो कि बंदी बना के नज़र बंद करके इनको करवा दिया गया था। और ये जो जानकारी है कहाँ से मिलती है, तो आपके गोपाल्ला गीत के अनुसार यह जानकारी मिलती है, याद रखिए। क्वेश्चन पूछा गया है तो तुझके जहांगीरी के अनुसार जो जहांगीर ने उनके जो पुत्र है परवेज कल्याण शाह को दिल्ली दरबार में लेके आया था, फिर गोपाल राय जो नामक पहलवान ने कल्याण शाह को दिल्ली से इनको मुक्त करवा दिया था, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कलचूरी वंश का जो कल्याण शाह शासक ने मुगल शासक जहांगीर से दिल्ली मिले गया था, इसका सी ऑप्शन कल्याण शाह सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचूरियों की प्रशासनिक व्यवस्था में अमात्यमंडल में कुल कितने मंत्री सम्मिलित थे, तो 6, 7, 8 या 9। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आप 8 मंत्री, याद रखिए। तो कलचूरी में जो कि प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत अमात्यमंडल में कुल 8 मंत्री सम्मिलित थे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है आपके पीएससी पेपर में। कलचूरी कालीन शासन व्यवस्था में एक गढ़ में लगभग कितने ग्रामों का होता था, ग्रामों जो कि इसमें सम्मिलित होता था, तो लगभग 81 ग्राम, 82 ग्राम, आपके 83 ग्राम या आपके डी 84 ग्राम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन 84 ग्राम, तो याद रखिएगा। तो कलचूरी कालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक गढ़ में लगभग 84 ग्रामों को जो कि ग्राम लगभग इसमें सम्मिलित होता था, याद रखिए। तो गढ़ आपके जो इसके प्रमुख होते थे, प्रमुख इनके दीवान होते थे, लगभग एक गढ़ में यहाँ पे लगभग 84 गाँवों का समूह होता था, जिसमें 7 बरहों का एक गढ़ बनता था। एक क्वेश्चन आपके पूछा गया है आपके पीएससी में, याद वही मैं बताऊँ यहाँ पे बरहों की बात करूँ, इसके जो प्रमुख होते थे आपके दाऊ इसके प्रमुख होते थे बरहों के, याद रखिए। जो प्रशासनिक आई है बरहों इसके प्रमुख दाऊ होते थे, लगभग 12 गाँवों का ये इसमें समूह होता था आपके बरहों में, तो याद रखिए इसका डी ऑप्शन 84 ग्राम सही आंसर हो जाए। क्वेश्चन पूछा भी गया है तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको एग्जाम में रिपीट करता है, तो याद रखिएगा। बस्तर का जो भूमकाल आंदोलन हुआ था सन 1910 में किस बस्तर नरेश के समय में हुआ था, तो आपके भैरम देव, जग आपके दलपत सिंह या दरिया देव या आपके डी है रुद्र प्रताप देव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन रुद्र प्रताप देव, याद रखिए। तो बस्तर के भूमकाल जो आंदोलन हुआ था सन 1910 में, फरवरी 1910 में हुआ था, याद रखिए। कौन से बस्तर नरेश के समय हुआ था, तो रुद्र प्रताप के शासनकाल में बस्तर के नरेश थे आपके रुद्र प्रताप, तो इनके समय में यह भूमकाल का विद्रोह हुआ था, याद रखिए। शासक कौन था, तो रुद्र प्रताप इसके शासक थे। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कुंडाधुर जो कि नेता नार के जमींदार थे, तो इनके नेतृत्व में हुआ था। यहाँ के दीवान कौन थे, तो बैजनाथ जो पांडा थे यहाँ के दीवान थे। तो क्वेश्चन पूछा भी गया है, याद रखिएगा। तो भूमकाल विद्रोह कौन से सन में हुआ, तो फरवरी 1910 ईस्वी में हुआ था। तो इसके किसके जो कि इसके जो आंदोलन सर 1910 में हुआ था बस्तर नरेश के समय, कौन से किसके समय में हुआ, तो रुद्र प्रताप देव आपको आंसर लेना है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। सरपुरी राजवंश के किस शासक द्वारा गरुड़ संघ तथा चक्र अंकित किए हुए स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे, तो आपके सरबराज, नरेंद्र, प्रसन्न मात्र या आपके डी है वासु देवराज। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन प्रसन्न मात्र, याद रखिएगा। इनके द्वारा इन्होंने यहाँ पे निडीलर नदी आपके लीलागिर नदी के किनारे प्रसन्नपुर जो है आपके मल्हार के नाम से भी वर्तमान में जाना जाता है, तो इन्होंने नगर बसाया था। साथ ही साथ जो कि गरुड़ चक्र जो शंख युक्त है सोने के सिक्के इन्होंने चलवाए थे, तो कि सुरपुरी राजवंश के जो आपके प्रसन्न मात्र इस शासक ने गरुड़ संघ द्वारा जो चक्र अंकित हुए स्वर्ण सिक्के चलवाए गए थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। जो यहीं पर मैं बात करूँ यहाँ पर सरबराज, तो सरबवंश के संस्थापक इनको कहा जाता है। इसकी जो जानकारी भानुगुप्त के एरड अभिलेख जो कि 510 ईस्वी में जो इसकी सरबराज की यानी जो कि संस्थापक है आपके सरबपुर के, तो याद रखिएगा सरबराज के बारे में, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरबपुरी जो वंश की जो राजमुद्रा क्या थी, तो गजलक्ष्मी, सिंह, हाथी या डी है इनमें से कोई नहीं, तो सरबपुरी वंश की जो राजमुद्रा
कौन सी थी, तो गजलक्ष्मी थी, याद रखिए। तो इनका जो मुद्रा पर गजलक्ष्मी जी का अंकन करवाया गया था आपके सरपुरी वंश के राजाओं ने, तो याद रखिएगा सरपुरी वंश के राज मुद्रा गजलक्ष्मी थी। सरपुरी वंश की यहाँ पे बात करूँ तो इसके संस्थापक कौन है, तो सरबराज इसके संस्थापक, क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके PSC में। और इसके कौन से धर्म को इन लोग मानते थे, तो वैष्णव धर्म से संबंधित है आपके सरपुरी वंश। तो 5वीं से 6वीं शताब्दी लगभग छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन किया था। तो ये सब फैक्ट को याद रखना है आपको, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके क्वेश्चन PSC में पूछा गया है। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किस स्थान से राजा वराहराज के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो आपके एडंगा से, आरंग से, राजिम के, या डी है आपके बानाबरत से। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एडंगा से। तो छत्तीसगढ़ के जो आपके जो राजा वराहराज हैं, इनके जो स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपके एडंगे से प्राप्त हुए। तो यह भी मैं बात करूँ वराहराज की, एक नलवंशी शासक है, याद रखिएगा। तो वराहराज नलवंश के वास्तविक संस्थापक इनको कहे जाते हैं। वराहराज की जो मुद्रा है कोंडा गांव के अड़ेंगा गांव से इनकी जो मुद्रा है प्राप्त हुई है, जिसका आपको ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थान से प्राप्त अभिलेख की शुरुआत विजेता थे, विजेता हैं, और विजेता रहें शब्द से होती है, तो आपके रिद्धिपुर अभिलेख से, पोड़ागढ़ से, केसरी बेड़ा से, आपके आपके पांड्या पाथर से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पोड़ागढ़। तो याद रखिएगा, तो इस पोड़ागढ़ जो अभिलेख की जो इस स्थान से यहाँ पे जो अभिलेख की शुरुआत विजेता थे, विजेता हैं, और विजेता रहेंगे शब्द के यहाँ पे जो कि इस अभिलेख से जानकारी मिलती है इस शब्द के। तो याद रखिए पोड़ागढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। और मैं डेली बेस पे करंट पे भी पढ़ाता हूं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।